असिस्टेंट रेफरी के तौर पर दो खिलाड़ी आमने सामने आज के इस फाइनलिस्ट मुकाबले पर। मैं यहां पर कहना चाहूंगा और आमंत्रित करना चाहूंगा सर, आज के इस प्रतिस्पर्धा के मुख्य अतिथि और इस ग्राम के इस गांव के एक प्रधान श्रीमान अति माननीय और अति विशिष्ट दुलाल स्वासी सिंह से, जिनके पवन चरणों ने आज हमारे इस मंच हमारे इस मंच को पावन किए हैं। तमाम सुखदेव सरदार जी दान दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब लीजिए मेज की टीम को घोषित हो चुकी है और यहाँ राम जाने एक राम जाने की पिक्चर आई थी उस दौर पर, जो शाहरुख खान उस राम के एक मुख्य अभिनेता या एक्टर थे और उनके मुकाबले पर नव्यांश एफसी के बीच ये मुकाबला। लेकिन मैं सुर सिंह क्षमा करूंगा, गौर सिंह के साथ मैं जुड़ना चाहूंगा, लेकिन इस वक्त मैं जुड़ना चाहूंगा हमारे साथी कमेंटेटर, हमारे अति माननीय राजेंद्र कर्मा जी। यहाँ राजेंद्र कर्मा जी, आप देखें तो इस वर्ष इस सत्र 2021 में एक बड़ी स्पर्धा में इन दोनों टीमों ने किस कदर यहाँ अपनी मेहनत के बदौलत यहाँ तक की सफर को तय की है और यहाँ क्या कारनामा, क्या अलग एक इतिहास जो है जरूर रचा जाएगा। आज ताजपुर से जरूर करी जाएगी उस टीम की, जो भी यहाँ अपने छाप को छोड़ेगी। एक तरफ राजेश गागरा की ब्रिगेड टीम है, जो कि राम जाने की टीम से यहाँ पर जाने जा रही है और उनके खिलाफ जो खेल रही टीम है ये नव्यांश एफसी राजनगर। बेहतर होगा क्योंकि जब हमने इंट्रोडक्शन खिलाड़ियों से प्राप्त किया, परिचय प्राप्त किया, मैदान के बीचों बीच जाकर उनसे मुझे पता चला कि ये जो नव्यांश एफसी के खिलाड़ी हैं अजित जी, ये राजनगर से आए हुए हैं और राजनगर में पहले भी बहुत सारे खिलाड़ी ऐसा हुआ करते थे, आज भी है, जिसमें फाइनल मैचेस खेल रहे हैं और इस समय शुरुआती क्षण है। थोड़ा सा लंबा मैच जरूर खेला जाएगा क्योंकि ये फाइनल मुकाबला है। इस मैच के बाद आज कोई मुकाबला यहाँ होगा नहीं, कल भी नहीं होगा। अगर यहाँ मुकाबला होगा, टूर्नामेंट होगा, तो वो अगले सत्र। एक लंबी बॉल आई है, शत्रुघ्न है गुरु के लिए वहां पर, लेकिन किक लेने के लिए जगह नहीं बना पाया, काफी करीब थे वहां। हालांकि वहां स्कोर जड़ देते शत्रुघ्न तो थोड़ी सी दबाव में जरूर होती इस वक्त नव्यांश की टीम। पुनहगवार जर्सी नंबर 13, अच्छी क्रॉस आई है, अजय पुरते वहां मौजूद, क्या गेंद को रिफर करेगा। जी हाँ, गेंद को दूर भगाया अपने से, खतरे से दूर भागता हुआ, लेकिन पुनः एक बार 5 नंबर इस वक्त अगर बात किया जाए, जोरदार किक के लेकिन सीधे गोलकीपर पर दस्ताने पर, और किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं। और ये राम जाने की टीम है और वही नव्यांश की टीम है। राम जाने की अगर थोड़ी सी जिक्र करें, इस वक्त बहुत सारे ऐसा भी साथी है, बहुत सारे फुटबॉल के साधक और समर्थक इस वक्त हमारे बीच मौजूद है। चलिए मैं बता दूंगा इन दोनों टीमों का परिचय जो है इस वक्त किस कदर है। राम जाने की टीम इस वक्त ठीक मंच के दाएं छोर पर और सूर्य अस्त की दिशा पर है, अपने दामन को थामी हुई है, और ठीक अदर हैंड उसी तरफ ये नव्यांश एफसी की टीम मंच के बाएं छोर पर और सूर्य अस्त की दिशा पर। और यहाँ पर हम थोड़ा सा जिक्र करना चाहेंगे, आज लगातार सुबह से लेकर अभी तक नव्यांश के मैच जो है, नव्यांश टीम की टूर्नामेंट जो है इस प्रतियोगिता में, वो खिलाड़ी लगातार खेलते आ रहे हैं और क्या करिश्माई अंदाज में उन्होंने खेल खेला है। एक बात कहे सचिन, जो क्रिकेट के वो बादशाह कहे जाते हैं, और एक गणेश सचिन 10 नंबर की जर्सी पर नव्यांश के लिए हैंग हो रही है। ऑपरेटर मोड है, हेलो सर, कंट्रोल करेंगे जी। धन्यवाद। और मैंने जिक्र किया था राजन कि नव्यांश के जो टीम के एक प्रमुख रीढ़ की जो हड्डी है वो सचिन और दूसरी 7 नंबर जर्सी पर वो गणेश, इन्होंने क्या कर सुनाई अंदाज में खेल खेला और यहाँ तक इस सफर को इन्होंने तय किया है। अगर वही जिक्र करेंगे राम जाने ये शाहरुख खान की टीम पर प्रकाश। जी हाँ, वाकई आपने तो गणेश जी और सचिन हासदा के बारे में यहाँ पर जिक्र जरूर करे है, लेकिन एक बात अजीत जी जरूर है कि एक टीम आज कंटिन्यू मैचेस खेली है और एक टीम 24 घंटे अपने घर में आराम करने के बाद एक मैचेस खेलने के लिए आई है, वो भी फाइनल जैसे मुकाबला। तो कुल मिला के एनर्जी थोड़ा सा जरूर मायना, और यहाँ
वाह क्या कमाल का शॉट आया था इस समय। हालांकि जश्न नंबर 21 गोलकीपर वहां सचेत ना होते तो यहां जरूर अवियर्स एफसी की टीम को एक लीड स्कोर जरूर मिल जाती। बट गुनागवार बूस्टर बढ़ रहा है इस समय राइट छोर से काउंटर अटैक होने की संभावना। राजेश इस वक्त जश्न नंबर 7 पर एक रीढ़ के हड्डी। आपने अभी भी कहा कि एक टीम की ओर से राजेश और बूस्टर वांड्रा मौजूद है, टीम को काफी सुंदर तरीके से हेडलाइज करते हैं। उसी प्रकार अविनाश अभियान एफसी की टीम की अगर हम लोग बात करें तो पूरी तरह चारों ओर जो है बिल्कुल लंगी थी, क्षमा करेंगे बिल्कुल प्रकाश गागरे उनका स्कोर को नोट कर लिया जाए प्लीज। नोट हो गई है और मैंने जिक्र कर रहा था कि कल परसों से लेकर यह मैदान बिल्कुल खाली पड़ी थी, लेकिन आज तमाम दर्शक आज पूरे मैदान को सजा करीब 100 खिलाड़ी इस महफिल को सजाए हुए हैं। एक अद्भुत नजारा वाकई अजीत जी। इस समय एक टीम एक पैरों तले जरूर काटा चुभ चुका है, अब लंगड़ाते हुए जो है वो किस प्रकार, लेकिन बैक टू बैक काउंटर अटैक होने की उम्मीद इस वक्त जताई जा रही है। क्या कमाल का किक आया था, बट वहां डिफेंडर मौजूद और गेंद को किसी प्रकार से संभाला और संभालने के बाद खूबसूरती के साथ अपने साथी के साथ वो अच्छी बंटवारा हुई है और इस समय बॉल के साथ बिल्कुल थोड़ा सा धीमी कदमों के साथ। और इस वक्त अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा धीमी कदमों को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जाए तो बेहतर होगा। जितनी अधिक गति के साथ बाकी बचे हुए समय का मैचेस को आप यहाँ खेलते हैं अविनाश नव यंग्स एफसी की टीम, तो आपके लिए काफी बेटर फील होगा क्योंकि इस वक्त आप जो है 1-0 से पीछे हैं। और जब तक आपके खाते में 1-0 का माइनस है तब तक हम एक उम्मीद जताए बैठेंगे आपसे कि कहीं ना कहीं आपने भी आज करिश्माई और एक बेजोर फुटबॉल यहाँ खेली है। और काउंटर पड़ी है जोर से और दूर से लेने की कोशिश है, कहीं ना कहीं वो झुलका ये बैठे वहाँ ऑपरेटर आपकी ऑपरेटर थोड़ा सा गेंद को घटा दीजिएगा ठीक हो जाएगा। गेंद को थोड़ा सा हलोचित मैं नहीं चाहूंगा अधिक गेंद हो क्योंकि ये अंतिम मुकाबला खेला जा रहा है और इस मुकाबले पर एक जो लंगड़ाती हुई घोड़ा है इस वक्त वो रॉयल्स की टीम है जो लंगड़ा चुकी है और एक टीम ऐसा लेकर कर आई है ये है राम जाने। क्या कहूँ इस राम जाने को, ये शाहरुख खान की वो फिल्म मुझे आज ही याद आती है जो लगातार 2 महीने या 3 महीने पूरे थिएटर पर हिट रही वो फिल्म रही थी राम जाने की। उस शाहरुख खान के मुकाबले के बीच एक नववर्ष ये नवयंस एफसी ये 2021 के नववर्ष है और इस नववर्ष के उपलक्ष्य पर इन्होंने अपने काम अपने टीम ही अंकित करी है नवयंस एफसी। क्या बेहतरीन वो खिलाड़ी सचिन जैसे खिलाड़ी गणेश जैसे खिलाड़ी जिन्होंने बेहतरीन अंदाज से यहाँ तक के सफर को तय करी है, क्या अहम भूमिका वो इस वक्त अदा कर रहे हैं। और जयपुर शाहरुख खान से बहुत ज्यादा आगे तो उनको भी पीछे छोड़कर इन्होंने एक बेहतरीन मैच वहां जीता और उसी के क्रम में इनको फाइनल की टिकट कल हमने प्रदान करी और नतीजा आज यहाँ फाइनल जैसे बड़े मुकाबले पर एक दूसरे के खिलाफ जो है यहाँ आमना और सामना एक है अब अभियर्स और एक है राम जाने। और यहाँ देखिए शत्रुघ्न वक्षी होगा हालांकि काफी जीरो एंगल पर है, हालांकि प्रकाश गागरे के लिए गेंद को रेफर किया गया है। क्या एफर्ट होगा बढ़िया गोल। और यहाँ तो बूस्टर वाले ने गोल मारने के चक्कर में गेंद को फिर से इन्होंने नेट में प्रदान किया, हालांकि पहले ही गोल स्कोर बन चुका था। क्या बात है यहाँ यही तो मौजूदगी में आज हमें ये प्रतीत हो रहा है इसे ही कहते हैं फुटबॉल। आज फुटबॉल के प्रति जो दिलचस्पी रखे हैं तमाम फुटबॉल के श्रोता तमाम फुटबॉल के साधक और भक्त ये हमें आज यहाँ पर भी प्रतीत हो रहा है कि फुटबॉल के प्रति उनकी जो प्रेम है ये अटूट है और ये अटूट और फुटबॉल के प्रति जो उनकी दीवानगी है ये आज देखा जा रहा है। मैंने पहले भी जिक्र किया था राजेश
कि फुटबॉल के प्रति लोगों का जो बुखार चढ़ा था ये बुखार आज यहाँ उतरने वाली है, लेकिन इस बुखार पर एक ठंडी बुखार रमन हंसो मिल गया है ये नवहंस टीम को, तैयार लग चुकी है। ठंडी बुखार से उभरने के लिए उन्हें कोई ना कोई मेडिसिन जो है लेना पड़ेगा, बिल्कुल वहाँ पर लेना पड़ेगा आपको। आपको रमन हंसो मिलता है तो आप इसको मलेरिया कहते हैं, मलेरिया का तीन इंजेक्शन आपको लेना पड़ेगा तभी तो रमन हंसो दूर जाएगा। वाह, प्रधानमंत्री जी ने एक कथन कही थी, और प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी इस पूरे भारतवर्ष के और पूरे झारखंड प्रदेश को एक नव वर्ष पर एक ऐसा तोहफा पूरे झारखंड वासियों को, पूरे प्रदेश के वासियों को दी है। इन्होंने एक्सपर्ट कमेटी से इस कोरोना वैक्सीन की जो दवाई निकाली गई थी उन्हें ये हरी झंडी दे दी, और ये करनामा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के वो हमारे विख्यात और हमारे देश के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। एक्सपर्ट कमेटी ने दे दी है इस कोरोना वैक्सीन को हरी झंडी। पहले एक टिप्पणी डाली गई डेवलप हो चुकी है, अभी 2021 नव वर्ष की एक मंत्र है प्रधानमंत्री जी की, अब दवाई भी और कड़ाई भी। और एक्सपर्ट कमेटी ने ये दी है इस कोरोना वायरस के वैक्सीन को हरी झंडी। अब सगुन का टीका, कोरोना का रंग अब होगा टीका। जो हम कोरोना से काफी डर रहे थे, कोरोना से हमें डरना नहीं है, क्योंकि सगुन का टीका लगेगा और कोरोना का रंग अब होगा टीका। यह मंत्र है, पहले कही थी जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन अब हमारा आदरणीय अति माननीय और अति विशिष्ट परम आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही है कि कोरोना का रंग अब होगा टीका, अब दवाई भी और कड़ाई भी। ये है आपके लिए शुभ संकेत और शुभ मंत्र। और यहाँ जी हाँ बिल्कुल, इस अंतिम पलों पर, इस अंतिम क्षणों पर अजीत कुमार पान जी और महू राजन करवाए एक अच्छी बॉल आई है, हेडर लगाने का प्रयास था मोसा दोनों वहां पर, हालांकि डिफेंडर के तौर पर गेंद को हेडर के तहत बाहर निकाला बॉक्स के अंदर से। और इसी क्रम में इस वक्त अगर अजीत जी गौर से अगर आप मैच को देखेंगे तो थोड़ी बहुत यहाँ पर प्रेशर जो है उनके ऊपर डाला जा रहा है, जिन्होंने यहाँ पर 2-0 की लगभग अजय बढ़त यहाँ पर हासिल कर ली है, क्योंकि थोड़ा समय यहाँ पर बचा वो राम जाने की टीम बन जाएगी महज और कुछ पल। जी हाँ, और ये 50,000 क्विट से इनामी राशि तक पहुँच जाएगी। बट नाउ आई वुड लाइक टू कनेक्ट आवर इंटीमेट रिलेशनशिप आवर फ्रेंड्स गौर सिंह सरदार, प्लीज कनेक्ट विथ मी। Now I am Ajit Kumar Pan and our assistant and our intimate relations and our friends Gaur Singh. Now, both, all of you, now there are, I think, about 40,000 spectators present in this tournament. And most of our ladies, spectators, please connect with me. Operator, please control your microphone. Now, Gaur Singh, please connect with me. Now, Gaur Singh. Both teams playing between the match and between the field, two teams, Nav Youngs and their opponent, other hands, Ram Jane. What would you like? Mr. Ajit Pan, thank you very much. I would like to tell that here, from the beginning, if you are performing better in the first half, but right now, from the second half, from the by. Absolutely right what you are saying, but at this time, what we come back, Nabiyans, in this
match or not. Yes, that will have to be seen. That what converted into the goal, absolutely 3 scores. It is moment and never come back again by this score. Now you are watching it. Now at this time, now this is ending position. Now this is absolutely ending position. What happened? What you say? Actually, 3 goals have been scored by Ramjan. So everybody knows that we are not able to come back. Yeah, absolutely, you are right. But I can't tell what happened because easy to say, but difficult to do. What will happen? I didn't say that, and I cannot say that. What will happen? But at this time, all spectators present in this tournament now and watching most teams now, ongoing match is playing with Ram Jane, and absolutely not for today. Yesterday, I will namely name one only names, that is Ram Jane. And Ram Jane, one is a movie, and that movie actor is Shah Rukh Khan. Yes, sir. Has been made by the has been made in not the answer to. So there is no problem that he is he has performed very very well in the previous match and we have looked very much and this time he has something disappointed. Yeah, absolute light now. Nabian's teams this time very very disappointed. Everybody disappointed because three losers, the 3 goals lose, and how to recover their teams. But I want to say, both teams like this. But this time, a chance has been created by the referee, and a set piece as a set piece there. And set of the kick has been taken into the net, direct into the penalty area. But it was Rajesh. He has cleared the ball and he has given the pass from the right flank. I will have to say again another chance is going to create, but there are 3 defenders was available. That's why it was a little delay. Again, there are others, but there are miss, a little miss there. Just remember, 8 was there, trying to clear the ball. Again, miss pass was there. A very tall man there. Has given the pass into the that Satrugan. He has crossed the ball. The number 10 was there, but unable to touch the ball against the number 15. Defensive team. Defensive team was there. And it can be danger. It can be danger. Now, came close to goal. It's for Imoji's hand. But release the pass. They are hidden and it's in reverse ball, and ball is gracefully out of the goal line. Okay. Incredible and outstanding match is going on middle of the match. One is Navian Chapsi and another's and other hand Ram Jane team. And at this time, Ram Jane team is leading by three goals on Navian Chapsi. Navian Chapsi, what an incredible match is going on middle of the match. No one knows what happened in this match. Gossip. No one knows what happened in this match. And I'll say that another extra time. Many goals have come in extra time. They have enough time from the stage. If they use a belly. They definitely can come back. Oh, just a miss of Satrugan, who is a crucial and very, very strong and one of the most popular players of that tournament, Satrugan. I think, I don't know his relatives, names, surnames, yes, but Satrugan. But what a lovely game is. And this match, they are shows and they are performance. Hero of the match goes to which man and which players? Gorse.
hero of the match, who is goes to Prakash, Rajesh, Shatrughan and Sanjay. Hero of the match, who is team and who is player goes to hero of the match? Yeah, it's very difficult to say, but who can be hero of the match at this tournament. But I must say, it is said, it can be said that three of them, anyone can be a hero of this match. Yeah, yeah, it's absolute right what you're saying. But at this time, most affected, Mahesh are playing, who is main of the hero. Main of the hero, who is it? Rajesh, who is now at this time playing a midfielder action. And midfielder act, they are rolling. Who is Rajesh Gagrai? Rajesh Gagrai is acting main of the heroes and midfielders acting. Okay, now match is about to end in position. And now optional is left. Only optional is left because now Ram Jane is leading by 3-0 on Navian's action. Now Ram Jane is leading by 3-0 on Navian's action. And now this is absolutely ending position. Absolutely ending position. Any times this match referee close to this match. Can be close to this match. Really put the premium circle left here and in a little time the very much work they have to do but will have to and another chance here in the scene number 10 was one was it and we have crossed the ball again it can be close to all absolutely very very wonderful moment and it was converted to the forcing absolutely 4-0 on against what a football. I think it is a football all over the country. Now I would like to say in Hindi, agar ye football nahi to kya hai football? That is in commentary in English, it is a football. What a football, it is a football. Absolutely, what a lovely and exciting game is going on between and the